बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह पेमेंट उठाया तो बाकी बहुत आउट क्लास लगा माशाल्लाह। अरे वाह, कभी दुम्बे और आज आज खरगोश वो भी 100 खरगोश एक साथ 100 खरगोश भाई रैबिट रैबिट खा रहे हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान बाबर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो स्ट्रीट फूड कवर करते हुए आज आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जी तो खाने पीने के शौकीन हजरात, आज आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प खाने की चीज़ लेकर आए हम और आज आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही माउथ वाटरिंग खरगोश का प्लेटर, जो कि यकीनन आपके खाने के जायके को खुशगवार कर देगा। खरगोश वैसे तो दिखने में बहुत ही दुबले पतले और जायकेदार होते हैं, लेकिन भाई आपके रोज़ के पकवान में एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग ट्विस्ट लेकर आते हैं। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैफ़े कबाइल पर और यहाँ पर तैयार किया जा रहा है 100 खरगोश का प्लेटर और हमें इनवाइट किया है यहाँ पर बाबरडार साहब ने, जो कि ईट एंड डिस्कवर के ऑनर हैं, और हम यहाँ पर खरगोश खाएँगे और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर देखते रहिएगा मेरे साथ कि कैफ़े कबाइल में खरगोश के प्लेटर की रनाइयाँ क्या कह रही हैं। बावर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ईट एंड डिस्कवर के ऑनर हैं। बावर भाई, इतने अमेजिंग प्लेटर्स एक के बाद एक, कभी ऊँट, कभी ऑस्ट्रिच, कभी दुम्बे, कभी दुम्बे और आज आज खरगोश, वो भी 100 खरगोश एक साथ 100 खरगोश। यार बार भाई ये आइडियाज़ किस तरह से जनरेट करते हैं कुछ हमें भी बताएं। भाई कुछ जो है हम खुद सोचते हैं, कुछ हमारे सऊदी भाई हैं, कुछ वहाँ से वो आइडिया देते हैं कि यार ये बनाओ, ये कर लो, अब ये ट्राई कर लो, अब ये ट्राई कर लो, तो हम फिर उसकी खोज में निकलते हैं। फिर वो एक जर्नी होती है, फिर इसको बनाना, इसको पहुँचाना, आप लोगों को एक जगह जमा करना, तो अच्छा एक खुशी होती है। आप लोग जब सब आते हैं तो मज़ा आता है आप लोगों के साथ एक मिल बैठ के खाने में, क्योंकि आजकल के दौर में लोग एक दूसरे से ना भाग रहे हैं। बिल्कुल, तो इस दौर में एक दूसरे को साथ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। तो हम कोशिश है, बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे और हमारी भी ये कोशिश है इसको भी कबूल करें। तो भाई देखें, बाबर भाई ने इतने सारे यूट्यूबर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है, बहुत बड़ा इनिशिएट है यार इतने सालों को एक साथ लेकर आना। और ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना प्लेटर के, भाई ये आप समझ रहे हैं ना, बारहवीं ने बता दिया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो बाबर भाई थैंक यू सो मच, आपने इन्वाइट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह बाबर भाई। भाई ये देखें, ये प्लेटर आ चुका है, इसको क्या कहते हैं, कैसे खरगोश। वाह, अब इसको खाएंगे और इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। खरगोश कैसे खरगोश आ चुका है, बिल्कुल पतली सी कमर, नाजुक सी, फुर्ती तेज़, सुना है कि बहुत मज़े का होता है, बहुत नरम और बहुत मीठा गोश्त होता है। तो इसको आज खाएंगे भाई, फर्स्ट टाइम है लाइफ में, कभी भी नहीं खाया भाई, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसको खाते हुए, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। उसको खाएंगे, इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है हमारा प्लेटर जिसके लिए आज हम आएँ कैफे कबाइल पर। तो भाई ये ज़बरदस्ती एक डिश बन चुकी है, बहुत ही कोई अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अपनी लाइफ में ये एडवेंचर करने जा रहा हूँ भाई। रैबिट रैबिट खा रहे हैं यार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह पेमेंट उठाया तो बाकी बहुत आउट क्लास लगा माशाल्लाह। वाह, चिकन जैसा, फिश जैसा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, मीट थोड़ा सा मीठा है, मीठा टेस्ट आ रहा है और अमेजिंग पका हुआ यार। इसको चावल के साथ ट्राई करते हैं यार। मैं जितना डर रहा था उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत मज़े का टेस्ट है। मैं अपना फूड एंजॉय करता हूँ। जी तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर कभी गलियों या सपनों में आपसे मिलते हैं। अगर भाई की वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ मस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। तो भी देखते रहे मेरे साथ कि ज़िंदगी की रानाइयाँ क्या कह रही हैं भाई। Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making